सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, हम सभी कभी ना कभी मूवी देखने के लिए थिएटर जरूर गए होंगे। वहां पर जाकर हमें काफी ज्यादा मजा आता है और बड़े पर्दे में मूवी देखने का मजा एक अलग ही आता है। मगर एक बार आप ये सोचिए कि क्या वहां पर एक बड़ी स्क्रीन तो हमें मिल जाती है, मगर साउंड के मामले में हमें वहां पर अगर नॉर्मल साउंड मिलता है एक, तब भी क्या हमें उतना ही मज़ा आएगा? तो आपका जो जवाब है वो होगा नहीं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम घर पर जितना मर्जी महंगा टीवी ले लें या फिर प्रोजेक्टर ले लें, अगर हमारा साउंड सिस्टम उसी मुकाबले का नहीं है तो हमें कभी भी वो मज़ा नहीं आएगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो सी वीडियो है ये एक 5.1.2 एटमॉस एनेबल होम थिएटर पैकेज के ऊपर है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, और ऑडियो गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं ऑनक्यो के HTS 7800 एटमॉस एनेबल होम थिएटर पैकेज के बारे में। इसमें हमें एक 7.2 चैनल AVR मिलता है, 5 इसमें हमें स्पीकर्स मिलते हैं, 1 हमें इसमें एक्टिव सबवूफर मिलता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। इसमें मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और जो कुछ कमी अगर मुझे इसमें लगेगी तो वो बताऊंगा, और जो चीज़ इसमें मुझे अच्छी लगेगी वो भी आपको बताऊंगा, जिससे कि अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आपको आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पैकेज में हमें मिलता है एक 7.2 चैनल नेटवर्क AVR, 5 हमें इसमें स्पीकर मिलते हैं। जो फ्रंट स्पीकर हमें इसके साथ मिलेंगे वो एटमॉस अनेबल स्पीकर्स हैं, 1 सेंटर स्पीकर मिलेगा और 2 सराउंड स्पीकर्स हैं, 1 10 इंच का डाउन फेयरिंग एक्टिव सबवूफर भी हमें इसमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इसे 5.1.2 चैनल में कन्वर्ट कर देते हैं और एक डॉल्बी एटमॉस अनेबल होम थिएटर पैकेज के बदल देते हैं, जिससे कि आपको एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा अपने घर पर ही। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं इसके साथ आने वाले AVR के बारे में। तो इसके साथ हमें ऑनक्यो का HTR 695 नेटवर्क AVR मिलता है, जो कि 7 चैनल का एम्पलीफायर है, सभी चैनल 160 वाट। साथ ही साथ हमें इसमें 8 HDMI इनपुट्स मिलते हैं, जिसमें से 1 इनपुट जो है वो फ्रंट में हमें दिया गया है। HDI सपोर्ट की अगर बात करें तो 4K 60Hz पर अल्ट्रा HD पास थ्रो हमें इसमें मिल जाता है। HDCP 2.2 हमें मिलता है, 4:4:4 कलर रेजोल्यूशन हमें मिल जाता है, HDR10 मिलता है हमें इसमें, और डॉल्बी विज़न को भी सपोर्ट करता है, जिससे हमें एक बेहतरीन वीडियो क्वालिटी मिलती है। HDMI आउट में हमें 2 आउट दिए गए हैं जो कि ARC एनेबल हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, प्लेफाई, क्रोमकास्ट सपोर्ट भी इनबिल्ट ही दिया गया है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप इसमें वायरलेस म्यूज़िक को भी स्ट्रीम कर सकते हैं इसमें दी गई कुछ काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी ऐप से, जैसे कि स्पॉटिफाई, पेंडोरा, ट्यूनिन, टिडल और इसी तरीके की और काफ़ी सारी ऐप्स भी इसमें सपोर्ट होती हैं। इन सभी ऐप्स को आप अपने स्मार्टफोन से यूज़ कर सकते हैं वायरलेसली। ऑनक्यो का स्मार्टफोन रिमोट ऐप भी हमें मिलता है, तो आप उसी से अपने पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रिसीवर हमें कैलिब्रेशन माइक के साथ आता है, जिससे कि आपको एक काफ़ी अच्छा रूम करेक्शन मिल जाता है आपके रूम एकूस्टिक के हिसाब से, जिससे कि साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम इसमें साथ आने वाले स्पीकर पैकेज के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हमें 2 फ्रंट स्पीकर्स मिलते हैं जो कि एटमॉस एनेबल हैं, 2 हमें सराउंड स्पीकर्स मिलते हैं, 1 हमें सेंटर स्पीकर मिलता है और 1 हमें 10 इंच का एक्टिव सबवूफर मिलता है। तो थोड़ी सी डिटेल इसकी भी देख लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, फ्रंट में हमें स्पीकर्स मिलते हैं जिसके अंदर हमें 4.7 इंच मिड बास ड्राइवर दिया गया है और एक 1 इंच का ट्वीटर दिया गया है,
और एक 3 इंच का वूफर दिया गया है अब फायरिंग का, जो कि एटमॉस के लिए काम करता है। और फ्रेंड्स, बाकी के साथ आने वाले सभी स्पीकर्स भी 130 वॉट पावर हैंडलिंग को सपोर्ट करते हैं। 6 ओम्स के ये स्पीकर्स हैं। सबवूफर जो इसमें हमें मिलता है वो 120 वॉट का सबवूफर है। डाउन फायरिंग ड्राइवर दिया गया है 10 इंचेस के अंदर लॉन्ग थ्रो, और जो इंक्लोजर है वो बास रिफ्लेक्स है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर इसकी टोटल कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें हमें सबसे पहले ब्लूटूथ दिया गया है, वाईफाई दिया गया है, यूएसबी हमें इसमें दी गई है, दो कॉम्पोनेंट्स इन दिए गए हैं, दो कॉम्पोजिट वीडियो इनपुट मिल जाते हैं हमें, और डिजिटल इनपुट में हमें दो ऑप्टिकल मिलते हैं और एक हमें कोएक्सल मिल जाता है। साथ ही साथ हमें 8 एनालॉग के लिए इनपुट भी मिल जाते हैं, फोनों का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, और दो हमें पैरेलल सब आउट भी मिल जाते हैं हमारे एक्टिव सब वूफर्स को लगाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कुछ इस पे जो मुझे कमियां महसूस हुई हैं उनके बारे में, और जो अच्छी चीज़ें भी मुझे इसमें लगी हैं उसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे इसकी कुछ अच्छे फीचर्स के ऊपर। जैसा कि फॉर्मेट सपोर्ट भी इसमें हमें बहुत अच्छी दी गई है, लगभग सभी फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। एक्टिव सबवूफर के साथ हमें ये पैकेज मिलता है। फ्रंट स्पीकर्स में हमें एटमॉस एनेबल स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमें अलग से स्पीकर्स एटमॉस के लिए परचेज नहीं करने पड़ेंगे। वायरलेस म्यूजिक स्ट्रीम्स का ऑप्शन इसमें हमें मिल जाता है, जिससे कि आप वायरलेसली काफ़ी सारी ऐप्स के थ्रू हाई रेजोल्यूशन म्यूजिक का भी आनंद प्राप्त कर सकते हो। SDI सपोर्ट में हमें ARC 3D 4K 60 हर्ट्ज पर पास थ्रो एंड अपस्केलिंग भी मिल जाती है। अगर हम डैक की बात करते हैं तो इसमें 384 किलो हर्ट्ज पे 32 बिट का डैक दिया गया है 8 चैनल के लिए। फोनो इनपुट भी हमें इसमें दी गई है, तो ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। अगर आप टर्न टेबल यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है, टर्न टेबल लगाने के लिए आपको अलग से फोनो प्रीएम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इसकी अच्छी बातें, और एक नज़र हम डालेंगे इसके अंदर जो मुझे कमियां लगी हैं। फ्रंट में हमें एटमॉस अनेबल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि इसकी एक अच्छी बात भी थी और एक बुरी बात भी है, क्योंकि उनका जो सा एटमॉस का इफ़ेक्ट्स है वो प्रॉपरली उस लेवल का नहीं आएगा जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें आवाज़ जो सी है वो कहाँ से टकराएगी और कहाँ से हमारे तक पहुँचेगी। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शायद ये एक वीक पॉइंट है, बट इसका सोल्यूशन हमारे पास होता है कि हम इसमें अलग से दो स्पीकर सीलिंग पर लगा देते हैं, तो हमारा वो परेशानी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है उससे। SDMA के अंदर फ्रेंड्स, इसमें हमें EARC नहीं दी गई है, सिर्फ ARC का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी मुझे एक इसमें काफ़ी कमी वाली बात लगी है। इसमें हमें ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी मिल जाती है, मगर कम्प्लीटली मेनू हमें वहाँ पर नहीं मिलता है। कुछ मेनू ऐसा है जिसके लिए आपको अपने AVR की छोटी डिस्प्ले की तरफ ही देखना पड़ेगा, तो ये भी एक छोटी सी कमी है इसमें। ब्लूटूथ के वर्ज़न की बात करते हैं फ्रेंड्स अगर, तो इसमें 4.1 वर्ज़न दिया गया है, जो कि पुराना हो चुका है। 5.0 वर्ज़न अभी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी ये अपग्रेड होना चाहिए था, तो ये एक कमी है इसकी। एक आखिरी जो कमी है वो ये है कि ये जो सेटअप है वो मेरे हिसाब से मीडियम रूम या फिर एक लार्ज रूम के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आपका कमरा एक नॉर्मल साइज़ का है या छोटा कमरा है अगर आपका, तो वहाँ के लिए सिस्टम आप परचेज़ कर सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मीडियम साइज़ और लार्ज रूम के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो सा ऑनलाइन प्राइस है वो हमें मिल रहा है 1,05,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है, तो इसमें काफ़ी बार कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो इतनी ज़्यादा डिटेल में मत बनाया करो, पॉइंट टू पॉइंट बनाया करो। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको वही स्पेसिफिकेशन बताई है जो कि आपको इजीली समझ भी आ सके और आपके मतलब की हो, जिसे कि जानना ज़रूरी भी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आखिरी का जो डिसीज़न है वो आपका है, आपने इसे लेना है नहीं लेना है वो आपका काम है। आप वीडियो को देखेंगे, कमियां देख लेंगे, इसकी कितनी क्या मिली है हमें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इससे आपको आई थिंक एक डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी कि आपके लिए ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बाकी फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर तो देखिए यही था, फिर से मिलूंगा मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम।
इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती रहेगी। और जो डेमोज़ की वीडियो हैं वो वहीं पर डलेंगी, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलते हैं अभी दोस्तों, जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा सिर्फ, कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए अभी मैं चलता हूँ, फिर से मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।